आगे बढ़ते हैं। लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट, नीट पर चर्चा चाहता था विपक्ष, नीट पर एक दिन चर्चा हो, राहुल गांधी की ओर से ये बात कही गई है। तो देखिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है और नीट पर चर्चा विपक्ष चाहता था और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट यहां पर कर दिया है। आज ये कहा जा रहा था क्योंकि पहले भी नीट पर जो चर्चा है वो विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की जाए, सरकार सवालों का जवाब दे, लेकिन एक बार फिर से आज ये मौका था और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि नीट पर एक दिन चर्चा हो। नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफी जरूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है, 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं, तो हम चाहते थे कि एक दिन। तो विपक्ष का वॉकआउट हो चुका है लोकसभा से, नीट पर विपक्ष चर्चा चाहता था इस मुद्दे को लेकर, पहले भी जो सत्र हैं वो हंगामेदार रहे हैं और इसके पहले भी विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए थे कि नीट पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है जबकि एक छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक दिन की चर्चा हो नीट पर, ये राहुल गांधी का कहना है। इससे पहले भी विपक्ष ने वॉकआउट किया था अगर हम पहले के दिनों की बात करें, और आज फिर से विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता हुआ नजर आया है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है, नीट पर एक दिन की चर्चा विपक्ष चाहता था और सदन से वॉकआउट किया गया है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं विपक्ष के तमाम सांसद यहां पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं सदन से, यानी कि इन्होंने वॉकआउट कर दिया है। और विपक्ष का ये कहना है कि जो चर्चा होनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है और इसीलिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। राहुल गांधी आज नीट पर चर्चा करना चाहते थे और यह भी कहा गया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष ने उससे पहले ही वॉकआउट कर दिया है। अब देखना होगा कि जो कार्यवाही है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो नीट पर एक दिन की चर्चा हो, ये विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। तो लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट,